अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ शहजाद हसन। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में शहजाद हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉट 9 प्ले, जिसका जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग स्टोर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि उसने लगातार 2 से 3 घंटे लगाए हैं, उसके बाद भी 1% भी वो नहीं बढ़ा। तो आज हमने इस प्रॉब्लम को हल करना है। तो दोस्तों, वीडियो के तो चलने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, देखें, ये है हॉट 9 प्ले जो आप देख सकते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग स्टोर का, कि चार्जिंग स्टोर नहीं करता। तो मैं आपको जो है चेक कराने लगा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चार्ज हो रहा है और स्टोर नहीं कर रहा। तो देखिए, ये मैंने चार्जिंग लगा दी है। आपको अभी मैं आपको परसेंटेज इसकी मेंशन कराता हूँ कि कितनी परसेंट है। तो ये देखिए, आपको दिख रही होगी कि 6% है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि उसने आई थिंक कोई 2 से 3 आवर इसको चार्ज लगाया है, तो उसके बाद भी ये 6 के ऊपर नहीं गया। तो हमने जो है बार बार इसको चेक किया है, तसल्ली से चेक किया है कि प्रॉब्लम वही सेम है। कस्टमर का कहना है ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको पावर ऑफ करके इसको जो है डिसेबल करना है। तो सबसे पहले हमने सिम डोर निकाल लेनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो बैक को है उसको डिसेबल कर लेना है, जो कि मैं आपके सामने इसको डिसेबल कर रहा हूँ। आपने फिंगर सेंसर का भी ख्याल रखना है, उसकी जो स्ट्रिप होती है वो टूट ना जाए। तो देखिए, मैंने जो है इसको ओपन कर दिया, उसके बाद ये जो स्क्रू है वो हमने खोल लेने हैं। फिंगर सेंसर को हमने निकाल के साइड पे रख देने हैं, सारे स्क्रू जो है ऊपर के हमने वो ओपन कर लेने हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो है बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लिया कि वहाँ पे हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं, उस ओपन करके उसको मैंने साइड पर कर दिया। अभी मैं चार्जिंग लगा के आपको जो है बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक कराने लगा हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने वोल्टेज मीटर को जो है मीटर को जो वोल्टेज पे सेट कर दिया। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कितने वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं 1 से ऊपर। अभी तो फ़िलहाल जो है 0 पे है, तो हमने नीचे से जैक को थोड़ा सा हिला के हमने चेक कर लेना कि जैक में लूजिंग तो नहीं है। देखिए, जैक में लूजिंग बिल्कुल है, और आप देख सकते हैं अभी भी हमें 2+ आ रहे हैं, जो कि हमें 2+ नहीं चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे आई थिंक कोई 4+ वोल्टेज आने चाहिए, जब जाके हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली फ्लैक्स को चेक करना है, क्योंकि ऊपर जो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं प्रॉपर, तो हमने फ्लैक्स को ओपन कर लेना है। ये मैंने स्टेप उतार के हमने फ्लैक्स को जो है बाहर निकाल लेना है। तो आपके सामने मैं जो है फ्लैक्स को बाहर निकाल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने फ्लैक्स को बाहर निकाल लिया है, और उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लैक्स पे डायरेक्टली जो है हमने जैक के ऊपर वोल्टेज चेक करने के, वहाँ पे हमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें 5+ चाहिए होंगे, तो क्योंकि हम डायरेक्ट चेक करने लगे। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें 3+ मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कम है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि हमारे जैक में भी लूजिंग है, जैक में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है 5+ मिलने चाहिए थे, जो कि हमें 3+ मिल रही है। तो यहाँ पे भी तो देखिए, मेरे पास एक और फ्लैक्स है, इस पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ 5+ मिलने चाहिए, क्या वो वाकई में इतनी मिलनी चाहिए, मैं आपको ये तसल्ली के लिए आपको चेक भी करा देता हूँ। तो देखिए, मैंने जो अदर फ्लैक्स ली हुई है, तो मैं वहाँ पर चेक कराने लगा हूँ। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारे जो है यहाँ पे 5.7, क्योंकि 5+ वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि मैंने बोला था आपको कि हमें फ्लैक्स पे जो है डायरेक्टली जैक पे, क्योंकि आप चेक करें तो वहाँ पे हमें 5+ मिलने लाजमी है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली है ना। उसके बाद जो इससे IC में जाता है, IC से हो के फिर वहाँ पर सारा जो है बैटरी पर पहुँचता है, वहाँ पर 4+ पहुँचता है, तो वहाँ पर बैटरी चार्ज होती है। देखिए, मैं आपको अगेन जो है हॉट 9 प्ले की फ्लैक्स पे चेक करा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें 3+ मिल रहे हैं। तो ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई है, क्योंकि हमने जो है इस जैक को उतारना है, क्योंकि प्रॉब्लम जैक में भी है, और जैक हमने रिप्लेस करके उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो है जैक में वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे, तो हमने क्या है जैक को रिप्लेस करना है सबसे पहले। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस जैक को
रिप्लेस करना है, तो वो कैसे करना है ये देखिए आपके सामने में है, जैक को रिप्लेस करने लगा हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप कहीं से स्किप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से रह जाएंगे, कुछ जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ आप उसे मिसिंग हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो देखिए मैंने जो है जैक को उतार लिया, अभी मैं इसको अगेन छोड़ करके इसको वॉश करूँगा। वॉश करके मैंने जो है न्यू जैक इस पर लगाना है। तो देखिए मैंने वॉश करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितनी क्लीन है, पॉइंट बिल्कुल हमारे साफ़ है। तो ये हमारा जैक है जो हमने इस पर रिप्लेस करना है। ये देखिए ये हमारा पुराना जैक है जिसमें लूजिंग थी, तो मैं जो है न्यू जैक इस पर रिप्लेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी मोबाइल का कोई भी फॉल्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको बताने के लिए। अगर इसी वीडियो में आपको कहीं पर भी समझ ना आए तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो मैंशन कर दूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जो है सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए मैं जो है उसके जैक के जो बैक पॉइंट है उसको मैं जो है सोल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सोल्ड अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप सोल्ड अच्छे से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा भी इसके हिलने से जो है ये जैक का ट्रैक जो है वो टूट जाता है, इसकी कनेक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाती है, तो अगेन वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने सोल्ड अच्छे से करना है। उसके बाद मैं आपको जो है फ्लैक्स को चार्ज पे लगा के मैं आपको फ्लैक्स पर अभी वोल्टेज चेक कराता हूँ कि देखें अभी हमें जो है 5+ मिल रहे हैं कि अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो देखिए हमें 5+ मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं आपको मैं दिख रहा होगा कि 5.7 हमें जितने मैं बोल रहा था एग्जैक्टली हमें उतनी वोल्टेज आपको शो हो रही है कि उतनी मिल रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, मोबाइल पे लगा के स्ट्रिप लगा देनी है। स्ट्रिप लगाने के बाद हमने बैटरी कनेक्टर में भी चेक कर लेना है कि वहाँ पर हमें जो मैं आपको बताया था कि 4+ मिलने चाहिए, अभी वहाँ पर हमें कितने मिलते हैं हमने वो अभी चेक कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे भी 4+ मिल रहे हैं, 420 419 के पे जो है हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जो है हमें कनेक्टर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वोल्टेज मिल रहे हैं जितने हमें चाहिए थे। तो मैं अभी बैटरी को लगा के उसके बाद मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, ऑन कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि हमारी परसेंटेज बढ़ती है कि अभी भी वैसे है। तो देखिए हमारा मोबाइल जो है ऑन हो रहा है जस्ट फ्यू सेकंड, उसके बाद आपको परसेंटेज दिखाएंगे और उसके बाद परसेंटेज अप होगी तो हम वो भी आपको चेक कर। देखिए ये 6% है तो मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो देखिए मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया तो उसके बाद आपको परसेंटेज बढ़ गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में हमारी 1% बढ़ी है। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।